नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ फिर से गोभी से रिलेटेड वीडियो में। तो आज क्या, मैं सुबह खेत में आया हूँ तो कुछ गोभी थी जिनकी मुझे लगा कि निंदाई करनी चाहिए, तो फिर से मैंने निंदाई उनमें शुरू कर दी। तो मुझे एक कीट दिखा गोभी में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दी जाए ये जानकारी। अगर आपको भी पता हो कि ये कीट क्या है और इसका उपचार क्या है, और जो मैं इस कीट के बारे में जानता हूँ और उसका उपचार जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप जानते हो इसका उपचार तो मुझे कृपया बताएं, ठीक है। तो इधर ही है, देखिए पारबो कीट। कैमरा टर्न करके मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी देता हूँ। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, मैंने जैसे ही कैमरा टर्न कर दिया तो सामने आपको मेरे गोभी का एक खेत दिख रहा है, ठीक है। तो इधर मैं उस कीट को दिखाता हूँ आपको कि कितना बड़ा है और हम इसको क्या बोलते हैं। ये आपको शायद अभी इतना है का दिख रहा है, तो नज़दीक लेके जाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है, मेरी उंगली के जितना है। ये मेरी उंगली है देखिए, ठीक है। अब इधर से मैं अगर उंगली रखूँ तो ये देखिए उंगली से भी बड़ा है मेरी। अब ये पता नहीं कौन सा कीट है अगर मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं तो क्या कहूँ अपने अकॉर्डिंग। चलो ये देखिए दोनों तरफ से मैं घुमा के आपको दिखा रहा हूँ इसको। ये देखिए ओ भाया, कौन सा कीट है रे तू। या गया के भी चल रहा है, ये देखिए ये क्षैं क्षैं करता है। ये देखिए कितनी मजबूत पकड़ है, ये देखिए। आगे से देखिए फ्रंट से, ये तो बड़ी दूजी प्रजाति का कीड़ा है। जैसे वो नीली नीली ये नहीं होती है, हरी हरी गाढ़ी जो कि इन पत्तों के पीछे भी लग जाती है, तो मुझे लगता है कि ये उनका राजा है। ये देखिए अब हम इसको इधर से ले जाके कहीं दूर फेंकेंगे ताकि हमारे खेत में ये गोभियों को क्षति ना पहुंचा सके। तो मैं इसको पकड़ के ले जा रहा हूँ, इसको मैं दूर फेंकूंगा, ऐसे ऊपर ऊपर फेंक दिया। तो ये अपनी गोभी है। तो जिन किसान भाइयों को इस कीट के बारे में पता हो तो यार मुझे ज़रूर बताएं, और इसका उपचार भी। मेरे अकॉर्डिंग ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो इन कोई भी इंसेक्ट की इसमें मैं दवाई डालूं तो वो मेरे ख्याल ये मर जाएंगे। अगर इसी तरह से पूरे खेत में 10-15 हो तो पूरी गोभी को ये चट कर जाएंगे। तो किसान एवं बागवान भाइयों, समय पर इनका इलाज करना ज़रूरी है ताकि हमारी जो ये फसल लगी है बर्बाद ना हो। तो आशा करता हूँ किसान एवं बागवान भाइयों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो देन यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ है।